हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। अब तक हमने कौन कौन सी मात्राएं पढ़ी है? ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा जिसे हम अनुस्वार भी कहते हैं, और आहा की मात्रा जिसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ए की मात्रा जो है अक्षर पर एक बार लगती है, ऐ की मात्रा अक्षर पर दो बार लगाई जाती है, ओ की मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन के साथ एक बार अक्षर पर लगती है, औ की मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन के साथ अक्षर पर दो बार लगती है, और अम की मात्रा अक्षर पर एक छोटा सा डॉट होता है, बिंदु होता है, और आहा की मात्रा अक्षर के बाद एक छोटे दो दो डॉट होते हैं, हाँ उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ओके, अब हम देखने वाले हैं आज पार्ट 7 अनुनासिक, पार्ट 7 अनुनासिक। ओके, अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। क्यों कहते होंगे अनुनासिक को चंद्रबिंदु? क्योंकि वो किस तरह दिखता है? चंद्र की तरह दिखता है, दिखता है ना। यहाँ पे मैंने दिखाया, देखो उसका साइन जो है वो मैंने वहाँ पे किया है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक या चंद्रबिंदु की मात्रा। तो आज हम देखने वाले हैं चंद्रबिंदु की मात्रा जो अक्षर पर ऊपर लगती है। ओके, चलो अब देखो अनुनासिक पार्ट 7। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रबिंदु, क्योंकि वो किस तरह दिखता है? मात्रा वो चांद की तरह दिखती है। ओके, चलो अभी यहाँ पे चित्र है, चित्रों के साथ उनके नाम है, इनको हम पढ़ेंगे। ओके, चलो मेरे साथ पढ़ो। मा, मा, बांसुरी, बांसुरी, नाक से उच्चार होता है इसका। पांच, पांच, अंगूठी, अंगूठी, सांप, सांप, ऊंट, ऊंट, चांद, चांद, बांस, बांस, बाह, बाह, मुंह, मुंह, दांत, दांत, टांग, टांग। ये क्या है? चंद्रबिंदु की मात्रा वाले शब्द। ओके, इसके और कुछ शब्द पढ़ते हैं, चलो मेरे साथ आपको भी पढ़ना है। ओके, घूंट, बूंद, बांस, सांप, पूंछ, कांच, छांट, सून, आंख, बांट, कलियां, छांव, फलियां, मांद, छाह, बांटना, आंत, आंचल, फांदना, आंगन, धसना, चांदनी, अंगीठी, बांसुरी, पहुंच, आंचल, हंसना, आंधी। ये सारे हैं चंद्रबिंदु की मात्रा वाले शब्द जो चांद की तरह अक्षर पर लगाए जाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं चंद्रबिंदु की मात्रा या कहते हैं अनुनासिक। ओके, चलो इसके एक कविता गाते हैं, आप भी मेरे साथ गाओ। सांप ने बांसुरी बजाई, सांप ने बांसुरी बजाई, हाथी ने सूंड उठाई, हाथी ने सूंड उठाई, ऊंट ने पूंछ हिलाई, ऊंट ने पूंछ हिलाई, चांद ने चांदनी फैलाई, चांद ने चांदनी फैलाई, गांव वालों ने तालियां बजाई, गांव वालों ने तालियां बजाई। चलो एक बार फिर से गाते हैं। सांप ने बांसुरी बजाई, हाथी ने सूंड उठाई, ऊंट ने पूंछ हिलाई, चांद ने चांदनी फैलाई,
गांव वालों ने तालियां बजाई। अब आपको क्या करना है, ये जो चंद्रबिंदु की मात्रा वाले शब्द है, अनुनासिक के जो शब्द है, वो आपको 5 टाइम आपकी नोटबुक में लिखने हैं, और इसके साथ मैं जो स्वाध्याय दूंगी वो भी आपको आपकी नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में करना है। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।